टुडे हैव डिसाइड टॉक अबाउट सिस्टोस्कोपी। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, सिस्टोस्कोपी क्या होती है? लाइक सो जैसे कि आप जानते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू सी बाई यूजिंग एनी एंडोस्कोप और सम इमेजिंग डिवाइस विथ सम मैग्निफिकेशन, उसे हम एंडोस्कोपी बोल सकते हैं। जैसे कि आजकल कॉमन टर्म्स हैं अपर जी आई एंडोस्कोपी, एंड जैसे कि पेट के अंदर एंडोस्कोप डाल के देखना हो, लंग्स के अंदर देखना हो, या तो फेफड़ों के अंदर, उसको हम ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं, राइट? वैसे ही यूरोलॉजी में हम कॉमनली एक प्रोसीजर कहते हैं जिसे उसका नाम है सिस्टोस्कोपी। तो सिस्टोस्कोपी इज सिस्टो इज ब्लडर, तो पेशाब की थैली, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप डाल के पेशाब के रास्ते के थ्रू देखा जाए तो उसे हम सिस्टोस्कोपी कहते हैं। इसे बहुत सारे दूसरे नाम दिए गए हैं जैसे कि पैन एंडोस्कोपी या सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी एंड ऑल दोस। और वही माइक्रोस्कोप अगर हम यूरेटर पेशाब की नलियों में देखते हैं तो उसे हम यूरेट्रोस्कोपी कहते हैं। किडनी के अंदर जाके देखा तो उसे हम नेफ्रोस्कोपी कहेंगे। सो एनी एनी एंडोस्कोपिक डिवाइस विच इज गोइंग इन टू द ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टोस्कोपी। सो ये सिस्टोस्कोपी हम करते क्यों हैं? सो बेसिकली कोई भी पैथोलॉजी या कोई भी बीमारी जो पेशाब की थैली के अंदर है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है, कई बार दूसरे जो टेस्ट हैं जैसे यूरिन टेस्ट हैं, सीटी स्कैन हैं, अल्ट्रासाउंड, उसमें बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं, बट कई बार डाउट रहता है कि कुछ प्रॉब्लम हैं जो क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं है और कुछ देखने की ज़रूरत है, तो हम एक एंडोस्कोप डालते हैं यूरिनरी ब्लैडर में और चेक करते हैं। खासकर ये जो यूरिनरी ब्लैडर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर में ये पेशेंट्स को रेगुलर चेकअप में रखा जाता है। एंड द मोस्ट सेंसिटिव टूल टू डायग्नोज अर्ली एनी केस ऑफ रिकरेंस ऑफ ब्लैडर ट्यूमर और ब्लैडर कैंसर इज सिस्टोस्कोपी। सो देर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं जो उतने इफेक्टिव या उतने सेंसिटिव नहीं है ब्लैडर कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने में जितना सिस्टोस्कोपी है। सो दैट्स वाई सिस्टोस्कोपी इज नाउ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर फॉलो रेजिम, जिसमें सारे ब्लैडर कैंसर पेशेंट को हम लोग रखते हैं। एंड पीरियडिकली डिपेंडिंग ऑन कि कितना उनका रिस्क है रिकरेंस का, 3 महीने या 6 महीने, वी कॉल देम फॉर सिस्टोस्कोपी। सो जो कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये सिस्टोस्कोपी तो हो गई, ठीक है, आप कैसे करोगे, कहाँ करोगे एंड ऑल दोस। तो देखिए, ये सिस्टोस्कोपी यूजुअली जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं जो चेक करने के लिए, बीमारी का पता करने के लिए, ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यूजुअली हम लोग लोकल एनेस्थेसिया में करते हैं। पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश नहीं करते, यूरिनरी पैसेज में लोकल एनेस्थेसिया जो जालपिन जेली होती है वो दे के यूरिनरी पैसेज नंब हो जाता है, एंड देन वी इंट्रोड्यूस आवर एंडोस्कोप। ये ओपीडी प्रोसीजर है, मतलब पेशेंट आते हैं ओपीडी में, सिस्टोस्कोपी कराते हैं एंड देन घर चले जाते हैं। समटाइम्स अगर यूरिनरी पैसेज में प्रॉब्लम है एंड पेशेंट बहुत सेंसिटिव है, कहते हैं सर नहीं, लोकल में नहीं करा सकता, देन पेशेंट को हम लोग एक स्पाइनल एनेस्थीसिया, दैट इज रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं, और पेशेंट को उस टाइम में हम लोग एडमिट करने की जरूरत पड़ती है 1 दिन के लिए। यूजुअली ये पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कोई खास दर्द नहीं होता है, डिस्कम्फर्ट रहता है बट सिग्निफिकेंट ऐसा पेन नहीं होता। एंड जो रेगुलर ब्लड कैंसर पेशेंट हैं जो सिस्टोस्कोपी के लिए आते हैं, यूजुअली ऐसा कंप्लेन नहीं कहते हैं कि सर बहुत पेन हुआ है एंड ऑल दोस। इसको अभी हमने ओपीडी प्रोसीजर के साथ में एक ऑफिस प्रोसीजर के रूप में भी यूज़ करना चालू किया है, जहाँ पे हमने ओपीडी के बाजू रूम में एक एंडोस्कोपी डिवाइस है, वहाँ पे इस पेशेंट्स का हम ऑफिस प्रोसीजर की तरह सिस्टोस्कोपी करते हैं। एंड जस्ट लाइक एनी ओपीडी कंसल्टेशन, ये 5 मिनट का प्रोसीजर है, देन पेशेंट घर जाते हैं। यूजुअली एक एंटीबायोटिक और एक पेन किलर देते हैं, बिकॉज जब लोकल एनेस्थीसिया इफेक्ट जाता है तो उसके बाद थोड़ी बहुत पेन होती है पेशेंट्स को। आई थिंक ये क्वेश्चंस थे हमारे पास जो लोगों ने पूछे थे, एंड आज मैं ओटी में काफ़ी बिजी था, जस्ट बाहर आया हूँ, सो लाइक टू जस्ट कट दिस सेशन वेरी शॉर्ट। अगर
और क्वेश्चंस नहीं हो सो वी कैन एंड द सेशन। विल बी कमिंग अप विथ मोर प्रोसीजर्स, जैसे कि पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, उनको बोला जाता है कि आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो बहुत सारे इनके क्वेश्चंस रहते हैं कि सर ये क्या है। तो हमने स्टार्ट किया सिस्टोस्कोपी से, अभी नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट मोर प्रोसीजर्स, जैसे कि बायोप्सी क्या होती है, ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी क्या होती है, एंड बीसीजी कई बार ब्लड कैंसर पेशेंट को डालना होता है, सो ये बीसीजी क्या होती है एंड ऑल दोस। कई बार पूछते हैं कि सर ये सिस्टोस्कोपी करने की ज़रूरत क्या है, एंड इसका आंसर ये कि जो ब्लड कैंसर पेशेंट्स हैं इनका ये जो बीमारी है, कैंसर है, ये रिकरेंट है, आई मीन बार बार आने की संभावना रहती है। सो डिपेंडिंग ऑन रिस्क कि ये कितना रिकरेंस का रिस्क इनका है, उसके अकॉर्डिंगली सिस्टोस्कोपी के ड्यूरेशन से डिपेंड करते हैं। और आपका ट्यूमर तो हमने सिस्टोस्कोपी एंड TURBT करके निकाल दिया, बट बिकॉज ये रिकरेंस हो एंड रिकरेंस हो तो हमें आई मीन एज अर्ली एज पॉसिबल मालूम पड़े, इसके लिए रूटीन सिस्टोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये सारे ब्लड कैंसर पेशेंट्स के दिमाग में डालना बहुत ज़रूरी है कि रूटीन सिस्टोस्कोपी इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एंड उनको टाइम पे करना ही है। बिकॉज मैनी टाइम्स में हमने देखा है कि पेशेंट सिस्टोस्कोपी के लिए नहीं आते हैं, एंड जब वापस उनको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तब आते हैं, एंड तब तक बीमारी थोड़ी एडवांस हो चुकी होती है। सो जो भी प्रोटोकॉल आपके रिस्क के अकॉर्डिंगली आपको बताया गया सिस्टोस्कोपी के लिए, उसको प्लीज़ फॉलो करेंगे। और जैसा आई थिंक जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, दिल मस्त से देख लीजिए, सिस्टोस्कोपी में यूजुअली कोई पेन वेन नहीं होता है, और ये बहुत ही ईजी प्रोसीजर है, लाइक एनी एंडोस्कोपी प्रोसीजर। थैंक यू ऑल। आज मैं थोड़ा शॉर्ट में बात करूँ बिकॉज एक और ऑपरेशन मुझे मेरा पेंडिंग है। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल, एंड सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन ऑन नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू ऑल।